जिंदगी आपके कर्जे में गुजर जाएगी। पूरी जिंदगी कमाते रहोगे लेकिन कर्जा नहीं उतरेगा आपका। इसलिए अभी भी समय है, इस ऑनलाइन गेम को छोड़ दो। दोस्तों भिखारी बना दिया इस रमी गेम ने, ऐसी हालत हो गई है बस पूछे मत। हम तो बार बार यही कहते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि इस ऑनलाइन गेम को कभी भी ज्वाइन मत करना, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप कुछ भी खोल लो आप, जो भी ऐड आ रही है वो सारे के सारे सट्टा खेलने के लिए आ रहे हैं कि सट्टा खेलो। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, एक कपिल शर्मा है, हेलो पाजी 1 रुपये की जूपी खेलो 1 रुपये में। अरे 1 रुपये से शुरुआत होती है और वो 1 लाख तक पहुँच जाती है, आपको पता है। और आप तो करोड़पति बन जाओगे क्योंकि आपको तो कुछ जाना नहीं इसमें, आपको तो मिल ही रहा है। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है वो फंस जाता है लालच में, क्योंकि उसके पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते, सोच रहा है कहीं से कुछ ना कुछ कमा ले। क्योंकि ये लत इतनी बुरी है ना, इसमें जब आदमी फंसता है ना तो बस फंसता ही चला जाता है। शुरुआत जो है बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेगा, 100, 200, 500, मतलब अगर यहाँ तक सब्र हो जाए ना कि 500 चले कोई बात नहीं बंद कर दे गेम, वो तो फ़ायदे में है। लेकिन जो इसमें धंसता ही चला जाता है, और ख़ासकर जो नौकरी वाले होते हैं ना, अगर उसकी उसको लत लग जाए ना तो वो तो बर्बाद ही हो जाता है। क्योंकि कोई भी उसको पैसा दे देगा, जहाँ पे जिस बैंक में जाओगे उसी में लोन मिल जाएगा। चाहे कोई बिजनेसमैन हो उसको भी पैसे कमी नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि एक एक आदमी करोड़ों करोड़ के लॉस में है इसमें, मतलब वो तो 50-50, 60-60 लाख ऐसे ही 10-10 दिन में ख़त्म कर देता है। 1-1 लाख रुपए की 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार ऐसे फाइट मारते हैं वे। और फिर बस क्या बताएं, अब कुछ कहने को रहा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी इस मोड़ पे आ गई है ना, बस पूछिए मत। बहुत दुखी हुआ आज तो, मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे कि ये ऑनलाइन गेम मत खेलो बिल्कुल भी। जितने भी रमी गेम खासकर रमी गेम एक ऐसा गेम है जो बहुत ही खतरनाक है। खेलो रमी, जीतो रमी, रमी नबू, रमी ईस्ट, रमी वेल्थ, पता नहीं कितनी प्रकार की रमी गेम है। क्योंकि ये जो है ना, जब हम छोटे अमाउंट से खेलते तो आपको जिता देंगे, और जैसे जैसे बड़ा अमाउंट लगाते जाएंगे और आपकी जैसे आईडी बड़ी होती चली जाएगी तो आपको आपकी आईडी हैक कर लेंगे। आईडी हैक ऐसे कर लेंगे, जब भी आप बड़ा अमाउंट लगाओगे तभी आप हार जाओगे, ये तो 100% है। और छोटे अमाउंट लगाओगे तो जीत जाओगे, कभी कभी आपको जिता भी देगा। और जिताने के बाद आप सोचोगे कि हमने जो है इतना बड़ा अमाउंट लगाया था, हम तो जीत गए थे, तो होड़ लगाओ, तो उसी में फंसता चला जाता है, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, एक दिन भिखारी बन जाओगे आप, भिखारी। तो भाइयों अभी भी समय है, जो भी आपका पैसा गया सो गया। अब 8-10 दिन में जब 15-20 लाख रुपये चले जाते हैं, हमारे तो 5-6 लाख चले गए, वो पता नहीं कितने दिन की मेहनत थी या कितने साल तक उसको पूरा करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। बहुत बुरी हालत है भाई, बस क्या बताएं, अब कुछ कह नहीं सकते, दिल को रोना आता है दिल से। काश उस दिन रात को मैं गेम ना खेलता। एक दोस्त ने 100 रुपये से 4,000 रुपये करके दिखा दिया मुझे, बस उसी का लगाया हुआ है लत पे। बस फिर तो लालच पड़ गया, लगाने लगा धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा फंस गया कि मेरे घर के मकान भी गिरवी रखने का नंबर आ गया था। ऐसी हालत हो गई थी भाई, संभाल लिया, मुझे तो संभाल लिया किसी ने, बड़ी मुश्किल से। भगवान के सामने बहुत रोया कि भगवान बचा लो, कभी नहीं करूँगा अब जिंदगी में, कभी 1 रुपया नहीं लगाऊंगा कहीं पे भी, ये तो वादा कर लिया है, नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब तक पूरा होगा होगा, वो तो भरना तो पड़ेगा ही। अब कमाई कर रहा हूँ, दूसरे के लिए ही कर रहा हूँ, जिस जिसका लिया है देना तो पड़ेगा ही। हम तो यही कहेंगे कि अभी भी समय है, ये ऑनलाइन गेम खेलना बंद कर दो, चाहे आप इसमें नफे में हो चाहे नुकसान में हो, लेकिन लास्ट में आपको होगा नुकसान ही। क्योंकि जो इसका पैसा है ना वो बिल्कुल नहीं खपता, क्योंकि जो आदमी आप 20,000 रुपये हार गए, आपको कितना दुख होगा, आप सोच सकते हो कितना दुख होगा, कितनी मेहनत से कमाए होंगे, महीनों लग जाता है 20,000 कमाने में और आपने 1 सेकंड में गवा दिए, देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया ना। तो ये जो दिल से आत्मा से जो बद्दुआ निकलती है वो उस पैसे में रहती है। और मान लिया दूसरे ने वो जीत लिया पैसा, तो क्या उसके घर में वफा देगा वो पैसा, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो
भाइयों, ये पैसा आप जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, इसको अभी छोड़ दो। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सब तरीके से हर तरीके अपना चुका हूँ, कुछ नहीं होने वाला इसमें। लास्ट में बस मरने के सिवा आपको कुछ नहीं चारा मिलेगा। बहुतों ने तो आत्महत्या कर ली है, क्या करेगा, कुछ भागे फिर रहे हैं, बचते फिर रहे हैं, कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं उसको।